सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के सेकंड T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 14 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची किंग्स पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम कराची किंग्स की बात करें तो जहां पे 5 मैच 4 मैच लॉस करके आ रही है, तो वहीं 1 मैच विन करके आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम पेशावर जालमी की बात करें तो 5 मैच 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पे पेशावर जालमी आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे कराची किंग्स 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पेशावर जालमी 7 मैच जीत के आ रही है। तो यहां पे हेड टू हेड में भी देख सकते हैं कि पेशावर जालमी आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे कराची किंग्स का 10% देखने को मिल रहा है, तो वहीं पेशावर जालमी का 50%। एवरेज स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 150 है, तो वहीं पेशावर जालमी का 172 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 190 है, तो वहीं पेशावर जालमी का 206 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो कराची किंग्स का 113 है, तो वहीं पेशावर जालमी का 140 है। तो ये हैं दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी पेशावर जालमी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी? तो मोस्टली क्लियर रहेगी, 26.5 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेगी, वहीं 2% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 182 बन सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 169 बनने की संभावना है। इस पिच पर अभी तक टोटल 15 मैच खेल गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी लो स्कोरिंग मैच होगा। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे इजली वे में मैच चेस कर सकती है। तो मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा, सेकेंड T20 PSL का खेला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम कराची किंग्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, बट पिछले सीजन में देखें तो पिछले सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो इस सीजन में पूरी तैयारी करके आई है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दूसरी टीम पेशावर जालमी की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो हम लोग को उम्मीद है कि इस सीजन में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिले। अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त भी हो सकती है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दो टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम कराची किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू वेट, इमाद वसीम, मोहम्मद अमीर, शर्जील खान। वहीं दूसरी टीम पेशावर जालमी के की प्लेयर की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद हैरिस, उस्मान कदीर, सरफेन रदरफोर्ड। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पेशावर जालमी हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।